नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जामिया के छात्रों पर पुलिस के एक्शन के खिलाफ आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इंडिया गेट पर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने छात्रों पर विश्वविद्यालय के अंदर घुसकर पुलिस की बर्बर कार्रवाई की निंदा की और कहा कि ये देश लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं। संशोधित नागरिकता कानून पर हिंसा के बाद आज विपक्षी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने पुलिस एक्शन पर सवाल उठाए और ये आरोप लगाते हुए कि दिल्ली पुलिस बीजेपी से आदेश ले रही थी, न्यायिक जांच की मांग भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी के नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही नेताओं ने कहा कि वो इस मुद्दे पर कल दोपहर को राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पिछले चार दिनों से जारी हिंसा के बाद आज राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतर आईं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से आयोजित विशाल रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आप हमारी सरकार को बर्खास्त करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन मैं नागरिकता कानून लागू नहीं होने दूंगी। ममता ने सबका साथ सबका विकास नारे पर तंज कसते हुए कहा कि केवल बीजेपी यहां बचे और बाकी सब चले जाएं, यही बीजेपी की राजनीति है, ये कभी नहीं हो पाएगा। भारत सभी का है, अगर सबका साथ नहीं रहेगा तो सबका विकास कैसे होगा। जामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में भोपाल के छात्र भी उतर आए हैं। भोपाल के इकबाल मैदान में बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस कार्रवाई को गलत बताते हुए छात्रों ने नारेबाजी की। इसके अलावा प्रदर्शनकारी छात्र नागरिकता संशोधन कानून का भी विरोध कर रहे हैं। जामिया छात्रों के समर्थन में और नागरिकता कानून के विरोध में लखनऊ, मुंबई और हैदराबाद के छात्र भी विरोध में उतर आए हैं। लखनऊ के नदवा कॉलेज में छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने भी बाहर से पत्थरबाजी की। वहीं हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के छात्रों ने भी जामिया के छात्रों के खिलाफ पुलिस एक्शन और नागरिकता कानून का विरोध किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी हिंसा की लपटें पहुंचनी शुरू हो गई हैं। अब उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में भी विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है। मऊ में उग्र भीड़ ने सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए हैं। उग्र भीड़ नरेंद्र मोदी और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में रविवार शाम को पुलिस के घुसने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन उच्च स्तरीय जांच की मांग करेगा। इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ रविवार को पुलिस विश्वविद्यालय परिसर में घुस गई थी और छात्रों की पिटाई की थी। रविवार को चले घटनाक्रम को लेकर सोमवार को विश्वविद्यालय की कुलपति नजमा अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पुलिस बिना अनुमति के ही कैंपस में घुसी थी। जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा का मामला वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रखा। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच से मामले का स्वतः संज्ञान लेने को कहा। सुनवाई के दौरान सीजीआई एसए बोबडे ने कहा कि हम सभी के अधिकार सुनिश्चित करेंगे, लेकिन हिंसा के माहौल में ऐसा नहीं हो सकता है। पहले इसे रुक जाने दीजिए, तभी हम मामले पर स्वतः संज्ञान लेंगे। सीजीआई ने कहा कि अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग से रेप मामले में दोषी करार दिया गया है। कुलदीप सेंगर के खिलाफ दिल्ली की 30,000 अदालत ने फैसला सुनाया। 2017 के अपहरण और बलात्कार मामले में विधायक सेंगर को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने में देरी को लेकर सीबीआई को भी फटकार लगाई। महिला आरोपी शशि सिंह को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेंगर की सजा का ऐलान 19 तारीख को किया जाएगा। झारखंड के पाकुड़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 4 महीनों के अंदर आसमान को छूता हुआ बन जाएगा। अमित शाह ने कहा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के लिए फैसला दिया। 100 वर्षों से दुनिया भर के भारतीयों की मांग थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। अब भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ना तो विकास कर सकती है, ना देश को सुरक्षित कर सकती है और ना ही देश की जनता की जनभावनाओं का सम्मान कर सकती है। झारखंड में आज चौथे चरण का मतदान हुआ, जिसमें शाम 5 बजे तक लगभग 62% मतदान होने की खबर है। इस चरण के बाद सिर्फ एक चरण का मतदान शेष है और ये 20 दिसंबर को होगा। 23 दिसंबर को चुनाव नतीजे आ जाएंगे। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है। आरोप है कि चुनाव लड़ते वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र पूरी नहीं थी और इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। अब्दुल्ला ने रामपुर क्षेत्र की सुवार विधानसभा सीट से चुनाव जीता है।
छह साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई अर्थव्यवस्था के बाद IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा है कि भारत सरकार को घरेलू सुधार में सुस्ती को दूर करने के लिए बैंक सुधार और श्रम सुधार जैसे ढांचागत सुधार करने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मंदी ने IMF तक को चकित कर दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।